मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे मत दिखाइए। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तुम्हें अब मैं अपने पास और नहीं रखूंगा। मैंने दो लोगों को बुलाया है, अगर उनमें से कोई भी पसंद आ गया तो उसके बाद मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। हाँ, तुम जा सकते हो। वो देखो दोनों आ गए। बोलिए सेठ जी, क्या काम करना पड़ेगा? तुम दोनों को सबसे पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी। ये लो 200 रुपए लेकर जाओ, और ये लो सामान की पर्ची। जाओ और जाकर ये सभी सामान लेकर आ जाओ। ठीक है मालिक। ये लीजिए मालिक, सब्जी लाया हूँ। तो किसके कितने रुपए खर्च हुए हैं? सेठ जी, मेरे तो 199 रुपए खर्च हुए हैं। और मेरे सिर्फ 104 रुपए खर्च हुए हैं। वाह, तुमने इतने कम पैसों में सारा सामान खरीद लिया। वाह, ठीक है, अब से तुम ही मेरे घर पर काम करोगे। अच्छा, इसका मतलब सस्ता सामान खरीदने पर मालिक खुश हो जाएंगे। समझ गया मैं। ठीक है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। हाँ, क्या कहा? 1 महीना? ठीक है, और कर भी क्या सकता हूँ, उतने दिनों तक बुद्धू से ही काम चलाना पड़ेगा, और क्या। किसकी चिट्ठी है मालिक? ताई जी की बेटी की शादी है, मुझे वहीं बुलाया है। तो कब जाइएगा? आज दोपहर में ही, और सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता ना, पता नहीं कब क्या कर बैठो। ताई जी, ओ ताई जी। रघु आ गए तुम बेटा, आओ। तुम्हें चिट्ठी भेजने के बाद से तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रही थी। प्रणाम करता हूँ ताई जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो रघु, यही है तुम्हारा बुद्धू? हाँ ताई जी, यही मेरा नौकर है, बुद्धू राम। मेरा सिर्फ नाम ही बुद्धू है, लेकिन मैं हूँ बहुत ज्यादा होशियार। मैं जानती हूँ बेटा, सब पता है। आओ घर के अंदर आओ जल्दी। बोलिए ताई जी, क्या बात है? बहुत तकलीफ सहन करने के बाद कुछ पैसे जमा किए हैं, इससे ही ये शादी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे रही हूँ, तुम सोच समझ कर इसे शादी में खर्च करना। और एक बात बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा ये नौकर बहुत बेवकूफ है। हाँ, मतलब वो थोड़ा बेवकूफ तो है ही, लेकिन उससे आपको तो क्या? फिर उसे किसी भी काम की जिम्मेदारी मत देना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। अरे नहीं ताई जी, बुद्धू को मैं शादी के कामों से तो दूर ही रखूंगा। हाँ अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। अरे अरे अरे, जरा इधर लगाओ, इधर। ओहो, तुम लोगों से तो काम ठीक से होता ही नहीं है मालिक, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। बुद्धू, तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो काम अपने आप सही हो जाएगा। अब मालिक, ताई जी ने तो कहा था कि सब काम सोच समझ कर करवाना है। 100 कील और लगेंगी। भाई, अच्छा सुनो, 100 कील चाहिए मुझे मीडियम साइज की। हाँ, ला दूंगा।
मालिक, कील तो मैं भी ला सकता था, बेकार में आपने इसे क्यों भेजा, मेरे पास तो काम भी नहीं है। मैं तुम्हें कौन सा काम दूं बुद्धू, सब कुछ कम पैसों में ही करना पड़ेगा और ये तुम कर नहीं पाओगे। तेरे की, फिर मैं क्या करूं मालिक? ओ रघु, दही अब तक आया नहीं है बेटा। मालिक मुझे लाने दीजिए ना मालिक, मैं ला कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ तो और कोई भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, मुझे करने दीजिए ना मालिक, करने दीजिए ना। तुम्हें ठीक है, ये लो 5 किलो के 4 मटके लेकर आना। ये लीजिए मालिक बचे हुए पैसे। अरे ये क्या रे बुद्धू, तुम्हें इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? आपने देखा ना मालिक मेरी बुद्धि। 1 किलो दही का दाम देकर 5 किलो दही के मटके लेकर आया हूँ। ताजा और अच्छी दही लेकर आया है तू बुद्धू। हाँ मालिक, एकदम फर्स्ट क्लास दही है। कम पैसे खर्च करने पर मालिक खुश हो गए हैं। अरे बुद्धू, तेरी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी। अब माला बदली जाएगी, वर वधु को माला दीजिए, चलिए जल्दी दीजिए। अरे माला तो लाया ही नहीं। क्या माला नहीं आई? मैं ले आ मालिक। तुम कैसे? जल्दी जाकर माला लेकर आइए, शुभ मुहूर्त नदी की धारा की तरह निकला जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बुद्धू, और तुम ही जाओ और बहुत सुंदर माला खरीद कर लेकर आना है। शादी वाले माले की कितनी कीमत है? 150 रुपए की है। क्या 150? अरे बाप रे, एक माला की इतनी ज्यादा कीमत, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा भाई। ठीक है, तो फिर मैं भी शादी वाली माला नहीं दे पाऊंगा। माला तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा, एक काम कीजिए भाई। भैया, दही के मटके कहाँ है? वही तो है, वो बुद्धू ने भंडार घर में ही रखा है। 5 किलो के 4 मटके हैं। अरे ये क्या, 5 किलो का मटका इतना हल्का क्यों लग रहा है? भैया भैया, क्या बात है भाई? अरे जल्दी बोलो, उधर शादी होना अभी बाकी है। 5 किलो का मटका इतना हल्का क्यों लग रहा है? हल्का दिखाओ दिखाओ, मुझे जरा खोल कर दिखाओ। क्या, अरे ये क्या है, इतने बड़े मटके में इतना सा दही? ये ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम होगा। क्या 250? अब बाकी के 3 मटके जरा खोल कर दिखाओ। बेटा बुद्धू, 4-5 किलो के मटके में 1 किलो ही दही लेकर आया है, गधा कहीं का। ये तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया बेटा, उधर माला की वजह से शादी भी रुकी हुई है। वो बेवकूफ माला लाने गया है, देखो अब वो कौन सा नया कारनामा करता है। इस बुद्धू की वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बुद्धू, तुम जब वापस आओगे ना, तुम्हें मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतने कम पैसे खर्च करके माला लेकर आया हूँ कि मालिक तो देखते ही खुश हो जाएंगे। बुद्धू, तुझमें कितनी बुद्धि है भाई। मालिक मालिक, मैं कितने कम पैसों में माला खरीद कर लाया हूँ। 2 माला सिर्फ 20 रुपए में, देखिए देखिए।
ये तो पूजा की माला है। ए, तो पूजा की माला से भला शादी होती है क्या? मतलब क्यों? मतलब कि नहीं नहीं होती है क्या मालिक? अरे तू 5 किलो के मटके में 250 ग्राम दही लेकर आया है और शादी वाली माला की जगह तू पूजा पाठ करने की माला लेकर आ गया है? तू 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 क्या मजाक कर रहा है? क्यों मालिक, सस्ता सामान लाने पर तो आप खुश होते हैं ना, इसलिए तो मैं लेकर आया हूँ मालिक। शादी पर बात करके मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिलाकर तुम मुझे सस्ता सामान लाकर दे रहे हो, इसलिए इसलिए खुश होने के लिए बोल रहे हो? आज तुम रहोगे या फिर मैं? मालिक मालिक मुझे बहुत दर्द होगा मालिक, मुझे लगा आप सस्ता सामान देखकर खुश हो जाइएगा, इसलिए लेकर आया हूँ। मुझे छोड़ दीजिए मालिक। छोड़ूंगा नहीं तुझे मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए।